महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें राजनीति का अपराधीकरण बहुत पैमाने पे हुआ है और उसमें कुछ गिने चुने परिवार जो है उनमें ही राजनीति सीमित है। ऐसे जो परिवार तीन लोगों ने ही राजनीति में पूरे महाराष्ट्र में पकड़ की है और संस्थानिक शाही महाराष्ट्र में चल रही है। बहुत पैमाने पे भ्रष्टाचार है, करप्शन है, अपराधीकरण है, गुंड और अपराधी लोग जो है उनको राजनीति में बहुत ही इन पार्टियों ने साथ में लिया है। दूसरी जो विरोधी दल का काम करने वाले शिवसेना है या मनसे है, ये प्रांतवाद की जातवाद की राजनीति करते हैं। बीजेपी वाले भी वही काम करते हैं। तो ये जो कांग्रेस एनसीपी हो या बीजेपी शिवसेना मनसे हो, इन लोगों की राजनीति से महाराष्ट्र के आम लोग जो है, जनता है, किसान हो, मछुआरा हो, आदिवासी हो, दलित हो या मध्यम वर्ग के लोग हो, व्यापारी हो, उद्योजक हो, सभी लोग त्रस्त है इनसे, हफ्तेबाजी से, गुंडागर्दी से बहुत ही त्रस्त है। इसलिए आम आदमी पार्टी ये बहुत बड़ा विकल्प महाराष्ट्र में आगे जाके उभर के आने वाली है। इस महाराष्ट्र में जो लोनावला से लेके पन्हाळा तक जो सह्याद्री का पहाड़ी इलाका है, इन इलाकों में जो जमीन लैंड का जो स्कैंडल बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, उनमें बहुत बड़े राजनेता आते हैं तो उन्होंने बहुत बड़ा लैंड का जो स्कैंडल किए है वो भी एक्सपोज करने का काम हम आगे जाके करने वाले हैं। लवासा प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने आंदोलन पिछले कई सालों से किया है, आगे जाके भी हम लोग करने वाले हैं। यहाँ के जो ACZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो लड़ाई भारत में, इंडिया में फर्स्ट लड़ाई पूना में हुई है और उसके बाद रायगढ़ जिले में अंबानी का ACZ हो या खेड़ का ACZ हो या मावल का ACZ हो या सिन्नर का ACZ हो, इसके खिलाफ भी हम लोग आम आदमी पार्टी के तहत आम जनता किसान के साथ रह के आंदोलन करने वाले हैं।